Hi you guys, welcome back to my channel. If you are new to this place, then I am Vibha and I upload videos related to fashion, lifestyle and haul videos. आज का वीडियो है Myntra jeans haul. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ड्यूरिंग दी EORS सेल मैंने Myntra से काफी सारी शॉपिंग की थी. तो कुर्ता सेट का कलेक्शन तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अब बचा है जीन्स का कलेक्शन. अगर आपने वो वाला वीडियो चेक नहीं किया है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जरूर चेक करिएगा. तो इस बार के मैंने जितने भी जीन्स ऑर्डर की है ना, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है. आई थिंक 500 और 600 की रेंज में है. एंड मुझे Myntra के जीन्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाती है एंड अफोर्डेबल प्राइस में भी ना इतने सही जीन्स मिल जाते हैं. मतलब मैंने आजियो में भी देखा है, मीशो में देखा है, अमेजोन में देखा है, कहीं पे भी ना मुझे इतने सही प्राइस के जीन्स तो नहीं मिलते हैं जो मुझे Myntra में मिल जाते हैं. सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. अब बिना देरी किए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट जीन्स. एंड मुझे ये वाला जीन्स बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं सबसे पहले आपके साथ इसी को शेयर कर रही हूँ. सो यू कैन सी दिस इज इन दिस लाइट ब्लू शेड. बहुत ही अच्छा इसका शेड है. ये वाला शेड ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है. मैंने जो आपके साथ प्रीवियस जीन्स का हॉल शेयर किया है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मुझे ब्लू के लाइट शेड काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं. आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये ओवरऑल जीन्स है एंड इट्स अ वाइड लेग जीन्स. वैसे वहां पे मेंशन था कि ये स्ट्रेट फिट जीन्स है, बट मुझे जो रिसीव हुआ है ना वो है वाइड लेग जीन्स. आप साइड में भी देखेंगे कि इसका जो ओवरऑल लुक है ना वो स्ट्रेट फिट जैसा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा. मुझे तो इसकी फिटिंग बिल्कुल वाइड लेग जीन्स जैसी ही आ रही थी. यू कैन सी इट्स अ प्रॉपर हाई वेस्ट जीन्स. जितने भी जीन्स मैंने ऑर्डर किए हैं ना सभी हाई वेस्ट ही है बिकॉज मुझे ना हाई वेस्ट जीन्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं. यू कैन सी इसमें आपको फ्रंट में पॉकेट मिल जाएंगे दोनों साइड में एंड बैक में भी आपको पॉकेट मिल जाएंगे. फिटिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी है. मैंने ससफराज ब्रांड के आई थिंक पहले भी जीन्स ऑर्डर किए हैं, आई डोंट नो, बट ये वाले जीन्स की फिटिंग ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है. एंड मैंने एक और ससफराज का जीन्स ऑर्डर किया है, उसकी फिटिंग भी मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा पसंद आई, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. तो हो सकता है कि मैं आगे भी ससफराज के जीन्स को बिल्कुल ट्राई करूं बिकॉज नो डाउट यार इनकी फिटिंग ना बहुत ज्यादा सही है. फ्रंट से तो काफी अच्छा लुक आता है इसका एंड नीचे साइड में ना आपको ऐसे रिब्ड पैटर्न मिलेगा नी के पास, यू कैन सी, एंड देन एंड साइड में आपको इस टाइप से डिटेलिंग मिल जाएगी. सो ओवरऑल जीन्स का लुक, फिटिंग, एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट एंड इसकी लेंथ भी एकदम सही है. तो अगर आपकी हाइट 5'3" 5'2" है ना एंड इवन 5'4" भी है तो आपको एकदम परफेक्ट आएगी. अगर आपको जीन्स की रिक्वायरमेंट है एंड आपको अगर लाइट शेड के जीन्स अच्छे लगते हैं ना तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं. मैंने अपना साइज ऑर्डर किया है स्मॉल एंड फिटिंग वाइज तो ये एकदम परफेक्ट है. कहीं से भी मुझे इसको ऑल्टरेशन कराने की जरूरत नहीं है एंड इसका जो ओवरऑल लुक है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है. जो डिस्ट्रेस्ड पैटर्न दिया हुआ है दोनों साइड में उससे काफी अच्छा इसका लुक आ रहा था. तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं. इसे मैंने ससफराज ब्रांड से ऑर्डर किया है. ओरिजिनल प्राइस तो इसका 229 है बट मैंने इसे ऑफ में ओनली 588 रुपीज में परचेस किया है एंड आई मस्ट से कि आपको इससे अच्छा जीन्स 588 रुपीज में तो कहीं पे भी नहीं मिल सकता है. इसका मटेरियल है 100% कॉटन तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है. क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट जीन्स. तो ये वाला जीन्स भी मैंने ससफराज ब्रांड से ही ऑर्डर किया है. यू कैन सी इसका जो कलर था ना वहां पे मेंशन था टॉप कलर. सो मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि ये एग्जैक्टली कौन सा कलर है, फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया. सो बेसिकली इट्स अ ग्रे एंड ब्राउन मिक्स काइंड ऑफ शेड. यू कैन सी हो सकता है ये इमेज में थोड़ा सा अलग दिख रहा हो बट जो Myntra ने इमेज अपडेट की है ना इसकी, उसका और इसका कलर एकदम सेम है. ये भी हाई वेस्ट जीन्स है, आपको फ्रंट में दो पॉकेट मिल जाएंगे एंड बैक साइड में भी इसमें दो पॉकेट दिए हुए हैं. मटेरियल इसका 100% कॉटन है तो ये भी बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है एंड इट्स अ डिस्ट्रेस जीन्स. आपको इधर से एक लेग में इस टाइप से पूरा डिस्ट्रेस पैटर्न मिलेगा
ओवरऑल आप इसका लुक देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से. इट्स अ स्ट्रेट फिट जीन्स एंड फिटिंग वाइज तो ये भी मुझे एकदम परफेक्ट हो रहा था. बस मुझे एक ही इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी कि इमेज में मैंने देखा था इसकी जो लेंथ थी ना वो प्रॉपर थी, मतलब एंकल के भी थोड़ा सा नीचे आ रही थी. बट मैंने जब इसे ट्राई किया, आप साइड में ट्राई ऑन पार्ट में देखेंगे कि मुझे ना ये थोड़ा सा छोटा हो रहा था, तो मुझे बस यहीं पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट सी फील हुई. अदरवाइज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जीन्स है ये गाइस. साइज इसमें भी मेरा 28 ही है. इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2199, बट इसे ऑफ में मैंने ओनली 600 रुपीज में परचेज किया है. तो इसका कलर बहुत ज्यादा डिफरेंट है. अगर आपको ऐसे थोड़े से डिफरेंट से कलर अच्छे लगते हैं ना तो आप इसमें भी जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड प्राइस वाइज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जीन्स. सो ये मैंने बाय किया है अर्बैनिक से. वैसे अर्बैनिक के जीन्स तो मैं यूजुअली अर्बैनिक से ही बाय करती हूँ, बट मुझे मिंत्रा में काफी सही दिख रहा था ये, तो सोचा मैं इसे भी ट्राई करती हूँ. ये भी हाई वेस्ट जीन्स है, प्रॉपर हाई वेस्ट जीन्स है, यू कैन सी. एंड इट्स अ स्ट्रेट फिट जीन्स. वहां पे आई थिंक रेगुलर फिट कुछ लिखा हुआ था, बट ऐसे देखने में तो ये प्रॉपर स्ट्रेट फिट जीन्स है. आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जीन्स है ये. इसका कलर आपको ना लाइट एंड मिड ब्लू का जो बीच का शेड होता है ना कुछ उस टाइप से मिलेगा, यू कैन सी. इसमें ना आपको दोनों साइड में इस टाइप से सर रिब्ड पैटर्न मिलेगा. तो एक लेग में तो आपको ये नी के पास मिलेगा एंड दूसरे लेग में ना ये आपको नीचे साइड में मिलेगा. एंड जहां से आपको रिब्ड पैटर्न दिया हुआ है वहां पे ना थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट काम किया हुआ है, यू कैन सी. पार्ट से आप देख सकते हैं. सो ओवरऑल इस जीन्स का जो लुक है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है. एंड मटेरियल मुझे इसका बहुत ज्यादा पसंद आया. ये कॉटन मटेरियल है, 100% कॉटन है ये, तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है. बट इस जीन्स में मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. यूजुअली अर्बैनिक में जो मेरा साइज होता है ना वो होता है 28, एंड इसे भी मैंने 28 साइज में ही ऑर्डर किया है. बट ये मुझे बहुत ज्यादा लूज हो रहा था. आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट मुझे काफी ज्यादा लूज हो रहा था. तो अगर आपको ये जीन्स परचेस करना है ना तो आई थिंक आपको 2 साइज डाउन में ऑर्डर करना पड़ेगा. इसके साथ आपको मिल जाता है एक बेल्ट, इस टाइप से आपको बेल्ट भी इसमें मिल जाएगा. सो ओवरऑल अगर सिर्फ साइज की प्रॉब्लम को छोड़ देना तो जीन्स काफी अच्छा है. एंड कलर मुझे इस टाइप का बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये वाला जीन्स भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगी. इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2290, बट इसे भी मैंने ऑफ में ओनली 570 रुपीज में परचेस किया है. सो प्राइस वाइज तो काफी ज्यादा अच्छी डील है ये. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जीन्स. तो इस जीन्स से ना मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, बिकॉज इसका जो लुक था ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था. बट जब मुझे रिसीव हुआ एंड मैंने पार्सल ओपन करके देखा ना, तो ऐसा लगा कि मुझे ना 30 या 32 साइज इन्होंने सेंड कर दिया है, जबकि मैंने जो साइज ऑर्डर किया था वो है 28. यू कैन सी कुछ इस टाइप का ये जीन्स है. इट्स ऑल्सो अ हाई वेस्ट जीन्स. आपको फ्रंट में 2 पॉकेट मिल जाते हैं एंड बैक साइड में भी आपको इसमें 2 पॉकेट मिल जाएंगे. सो यहाँ पे आपको ना इसमें कुछ इस टाइप से डिफरेंट लुक दिया हुआ है. सो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके कलर की. जो इमेज में कलर दिख रहा था ना वो लाइट ब्लू के शेड में था, लाइट और मिड ब्लू समथिंग में. बट ये ना मिड ब्लू से थोड़ा सा डार्क है. बहुत ज्यादा डार्क शेड तो नहीं है, बट मिड और डार्क जो ब्लू शेड होता है ना उसके बीच का कलर है ये. एंड आपको इस टाइप से सेंटर में ना थोड़ा सा ऐसा लाइट फेडेड पैटर्न मिल जाता है. एंड इसका ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं. वहां पे मेंशन था कि ये रिलैक्स फिट है, बट देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मॉम जीन्स टाइप की इसकी फिटिंग है. हो सकता है कि मुझे ये 32 साइज में रिसीव हो गया, इसलिए इसकी फिटिंग मुझे कुछ इस टाइप से आ रही हो. आप देख सकते हैं ओवरऑल इसका पैटर्न कुछ इस टाइप से है. बहुत ही ज्यादा लूज है मुझे ये, प्लस इसकी जो लेंथ है ना वो भी बहुत ज्यादा लॉन्ग मुझे रिसीव हुई है, तो मुझे इसको फोल्ड करके पहनना पड़ा. तो अगर आप ये वाला जीन्स ऑर्डर करना चाहते हैं ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 2 या 3 साइज डाउन में ऑर्डर करें, जबकि यहाँ पे जो मेंशन है ना वो 28 साइज ही है. बट आई डोंट नो 28 साइज में ये क्या साइज बनाते हैं, बिकॉज ऐसे देखने में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 32 वेस्ट का एग्जैक्ट मुझे लग रहा है. जिसकी 32 वेस्ट होगी ना उसको एकदम परफेक्ट होगा. इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2499 है एंड मैंने इससे 561 रुपीज में ऑर्डर किया है. तो मटेरियल वाइज तो मुझे ये ठीक लगा, बिकॉज ये ना थोड़ा मिक्स सॉर्ट ऑफ मटेरियल है, तो ये लिटिल बिट स्ट्रेचेबल भी है. बट फिटिंग इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेंथ भी इसकी बहुत ज्यादा लॉन्ग है. तो अगर आप इसे 2 साइज डाउन में ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है इसकी फिटिंग आपको सही मिल जाए. इसे मैंने ऑर्डर किया है किस ब्रांड से, हेयर एंड नाउ ब्रांड से. एंड ये फर्स्ट टाइम मैंने इस ब्रांड को ट्राई किया है,
तो हो सकता है इसलिए भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो दीज आर ऑल दी जीन्स जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। स्टार्टिंग के तीनों जीन्स बहुत अच्छे हैं, लास्ट वाला जीन्स का भी जो ओवरऑल लुक है ना वो तो अच्छा है, बट साइज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको इनमें से कोई भी जीन्स पसंद आया हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साइड में जो घंटी है उसे प्लीज प्रेस कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।